कहा यह जाता है कि जो मौतें होती हैं वो अर्थक्वेक की वजह से नहीं होती, यानी भूकंप किसी को नहीं मारता, बल्कि जो बिल्डिंग है, इमारतें हैं, वो कितनी अच्छी बनी है या बुरी बनी है उसकी वजह से लोगों की मौत होती है, यानी जान और माल का नुकसान इसी वजह से होता है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विनीत रेलिया, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सारे होम्स के, और डॉक्टर तुषार कांति दत्ता हैं जो एमेरिटस प्रोफेसर हैं IIT दिल्ली के। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दत्ता, शुरुआत आपसे करेंगे। जैसा कि मैं कह रही थी कि भूकंप तो आता है, लेकिन शायद मौत जो होती है वो इमारतों की वजह से होती है। अब ये इमारतें दिल्ली का इलाका है या मुंबई का इलाका है, जो उनके लिए नॉर्म्स तैयार किए गए हैं, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपके तजुर्बे में क्या आप इन्हें सफिशिएंट मानते हैं? देखिए, आप जैसे बोले हैं कि आपको एक आदमी को मारता नहीं है, बट इट इज द ह्यूमन बीइंग, दे बेसिकली किल द पर्सन फाइनली। जो हमारा पास जो चीज है इसका लिए बिल्डिंग, भूकंप प्रतिरोधक बिल्डिंग बनाने का जो इतना लॉज है, हमारा पास जानकारी है, वो काफी हद से सफिशिएंट है। और अगर उसको मान के कोई बिल्डिंग बनाता है तो बिल्डिंग भूकंप से गिरेगा नहीं। प्रॉब्लम यह होता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बनाने में उसको ठीक से बना रहा है कि नहीं, और उसको ठीक से फॉलो कर रहा है कि नहीं, इसी में प्रॉब्लम आता है। तो जानकारी हमारा, यस, हमारा देश में जानकारी का कोई कमी नहीं है और सभी जानकारी हम लोगों के पास है जी। तो कानून सही है, जो नॉर्म्स बनाए गए हैं वो काफी हैं, सफिशिएंट हैं, लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग मकान बनाते हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाते हैं, क्या आप लोग जब बनाते हैं इन बातों का ख्याल रखते हैं कि जो अर्थक्वेक के से जुड़े जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जाए? देखिए, जहां तक बिल्डिंग डिजाइन का सवाल है कि जिस भी क्षेत्र में वो बन रही है वो एक सीस्मिक जोन डिफाइंड है उस एरिया का, एंड नॉर्मली टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज की ये कंडीशन होती है कि जो स्ट्रक्चरल डिजाइन उसको डिजाइन करता है उसके बाद नॉर्मली IIT के लिए वेटिंग के लिए जाती है ड्रॉइंग्स। जैसे हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में IIT दिल्ली या IIT चेन्नई वेटिंग करता है ड्रॉइंग्स की। तो डिजाइन, जहां तक प्रोफेसर साहब ने भी कहा, डिजाइन तो काफी स्टेबल होता है और वेरीफाई भी होता है। उसके बाद चैलेंज आता है एग्जीक्यूशन का, जब इंप्लीमेंट हो रहा है कि क्या कॉन्ट्रैक्टर उसको फॉलो कर रहा है। उसके लिए रेगुलेटेड डेवलपर्स में मेरे ख्याल ऐसा कोई इशू नहीं होता। नॉर्मली अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो जितने भी हादसे होते हैं अर्थक्वेक के, ज्यादा डैमेज और नुकसान वहां पे होता है जहां पे अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन होती है, जो नियमों का पालन नहीं करते और अपने छोटे छोटे गेन्स के लिए अनप्लान तरीके से बनाते रहते हैं, वहां पे ज्यादा नुकसान होता है। नॉर्मली रेगुलेटेड डेवलपर्स में और जो सर्टिफाइड डेवलपर्स हैं, जो एक अपनी ब्रांड और इमेज के लिए भी काम कर रहे हैं, नॉर्मली डेवलपर अपनी इंटेंट से कोई उसमें इम्प्लीमेंटेशन में नुकसान नहीं होने देता। हाँ, उसमें ये एक फैक्टर होता है कि हर कंपनी का अपना क्वालिटी का एक पैरामीटर होता है। जैसे हमारी कंपनी में थर्ड पार्टी इनलाइन क्वालिटी वेरिफिकेशन होती है हर चीज की, तो उन चीजों को देखते हुए मैं मानता हूँ कि बिल्डिंग्स काफी हद तक सेफ है। रेगुलेटेड सेक्टर में मोर और लेस सारी बिल्डिंग सेफ है जी। तो डॉक्टर दत्ता, ये कैसे इंश्योर किया जाए कि जो बाकी के बिल्डर्स हैं वो, या कोई भी बिल्डर जो इससे कतरा रहा हो, वो इसको फॉलो करे, इन नॉर्म्स को? क्या सरकार किसी तरह का कोई प्रावधान रखती है या कोई और कोई गवर्नमेंटल बॉडी है जो इन चीजों का ख्याल रखती है? हाँ, देखिए, हमारा देश में लेजिस्लेशन जिसको बोलते हैं हम अबाउट कंस्ट्रक्शन, कोई लेजिस्लेशन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ है नहीं। ओनली सम इंस्ट्रक्शंस आर देयर, सम प्रोसीजर्स आर देयर, जिसमें जैसी हम लोग चेक करते हैं, थर्ड पार्टी चेक होता है, थर्ड पार्टी ऑडिट चेक होता है कंस्ट्रक्शन का, जैसे उन्होंने बताया, ये सब है। लेकिन इसका बावजूद भी अगर कोई बिल्डिंग में कुछ डैमेज आया, कुछ खराबी हुआ, गिर पड़ा, तो उसको हम किसको रेस्पॉन्सिबल करेंगे? ये जो लेजिस्लेशन है कि हम कोई आदमी कुछ गलत करके भाग गया, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, पकड़ने के लिए कोर्ट ये वो बहुत सारे कुछ करने पड़ेगा, ये लेजिस्लेशन हमारा काफी लैकिंग है। एंड गवर्नमेंटल कोई बॉडी अभी तक बना नहीं जो बॉडी बोलेगा कि भाई हमारा पास से आप सर्टिफिकेट लो, बिल्डिंग का सेफ्टी सर्टिफिकेट, एंड देन ओनली आप बिल्डिंग खरीदो
और नहीं तो बिल्डिंग बनाओ, ऑल दैट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन है। मैं सर्टिफिकेट दे दिया IIT, तो IIT को कौन कोर्ट में पकड़ के ले जाएगा? जी बिल्कुल। तो विनीत, जब सरकार की तरफ से किसी तरह का हथौड़ा सर पर नहीं है, कोई तलवार सर पर नहीं है, ऐसे में आप लोग सेल्फ रेगुलेट करते हैं, खुद पे खुद अंकुश रखते हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस हद तक ये अंकुश काम में आता है, और दूसरा ये कि जब आप IGBC जैसी बिल्डिंग्स का सर्टिफिकेशन लेकर के, IGBC जैसे एसोसिएशन का सर्टिफिकेशन लेकर के ग्रीन बिल्डिंग्स बेचते हैं और ये ठप्पा लगा के बेचते हैं, तो क्यों नहीं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट को भी एक मार्केटिंग टूल या के हिसाब से भी क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? Yeah, I think ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। फॉर एग्जाम्पल, हमारा गाजियाबाद में जो रिसेंट प्रोजेक्ट आया उसको हमने डिजाइन किया सीस्मिक जोन 5 में, जबकि हमारा पूरा क्षेत्र ये जो है सीस्मिक जोन 4 है। सो उसमें इट इज यूज्ड एज अ, मतलब इट्स अ एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा वैल्यू जो हम कस्टमर को दे रहे हैं। आई थिंक कस्टमर लेवल पे भी ये जानना बहुत जरूरी है कि कस्टमर्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई डेवलपर एक जोन ऊपर बना के दे रहा है तो उसके लिए कॉस्ट डिफरेंशियल होता है, जो मार्केट्स नॉर्मली आज की डेट में वो अवेयरनेस नहीं है। आप नॉर्मल कस्टमर से इंटरेक्ट तो करते हैं, ठीक है जी क्या हुआ अगर आप सीस्मिक जोन 5 की बना रहे हैं, यहाँ पे तो 4 ही जोन है। तो एक मतलब ठीक है, हमने इनिशिएटिव लिया सीस्मिक जोन 5 के भी डिजाइन कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी उसको कर रहे हैं, बट कस्टमर्स का अवेयरनेस इस चीज का होना और उनका अप्रिशिएट करना कि एक वैल्यू एक्स्ट्रा मेरे को मिल रही है, वो उसके लिए अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर दत्ता, आप क्या कहेंगे कि अगर मैं एक फ्लैट खरीदने जा रही हूँ, एक मकान खरीदने जा रही हूँ, तो मैं क्या क्या मांगू अपने बिल्डर से ताकि ये इंश्योर कर सकूं कि मेरा जो मकान है वो इस तरह का अर्थक्वेक आता है तो उसमें मुझे जान माल का नुकसान ना हो? देखिए, पहले तो कोई गवर्नमेंट एजेंसी होना चाहिए जो सर्टिफाई करेगा। तो अगर वो गवर्नमेंट एजेंसी बन गया तो आप बोलेंगे कि भाई ये सर्टिफिकेट दिखाइए आप, ये सर्टिफाइज दैट आपका बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीटली सेफ है। अगर वो नहीं होता है तो एटलीस्ट आप पूछिएगा कि भाई ये आप डिजाइन किया, आप हु वाज द पर्सन हु चेक्ड इट और हु इज द बॉडी हु चेक्ड इट। देन आप पूछ सकते हैं कि भाई आप जो कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन का टाइम में कोई थर्ड पार्टी ऑडिट था कि नहीं, जो एवरीथिंग पीरियोडिकली हैव चेक्ड, सो दैट आपको सेटिस्फेक्शन हो गया। थर्डली, जो इन्होंने बोल रहे हैं कि ये ऑल्सो डिपेंड अपॉन दी नेम ऑफ दी यू नो दी एंटरप्रेन्योर्स हु आर डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। तो फॉर एग्जाम्पल, मे बी सारे दे आर वेरी गुड यू नो एंड पीपल बाई नेम विल गो, दे थिंक दैट ओके दे आर, अगर कर रहा है तो डेफिनेटली ये सेफ होगा, सब मान के कर रहा है। सिमिलरली दूसरा कोई बिल्डर का नाम खराब होगा शायद, उसका पास कोई जाता नहीं होगा। तो ये चीज है। बट मैं इस मुद्दे में एक चीज आपको लाऊंगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। अभी इन्होंने जो बताया विनीत साहब कि ये अगर 5 जोन का हिसाब से गाजियाबाद में कोई बिल्डिंग बनाया है, विच इज डेफिनेटली ओवर सेफ, देन अगर बिल्डिंग्स आर इंश्योर्ड, देन इंश्योरेंस कंपनी कैन ऑलवेज चार्ज अ हायर प्रीमियम फॉर दिस काइंड ऑफ बिल्डिंग, एंड बाई पेइंग ए हायर चार्ज फॉर द प्रीमियम फॉर द बिल्डिंग यू आर टेकिंग ए लेस रिस्क। सो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली समहाउ अदर इंडिया में अभी तक आया नहीं है। जब आ जाएगा आदमी का अंदर में, तब आई थिंक द सिनेरियो चेंज करेगा। विनीत, ये इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या हिंदुस्तान में लागू करने लायक है, क्या पॉसिबल है? देखिए, डेफिनेटली पॉसिबल है, बिकॉज अब जो आज आपकी मेजॉरिटी ग्रोथ हो रही है हाउसिंग सेक्टर की, वो मिडिल इनकम सेगमेंट में हो रही है और हर किसी की ये जीवन भर की पूंजी एक लगी होती है घर के अंदर। सो मेरे हिसाब से ये प्रोफेसर दत्ता का बड़ा अच्छा पॉइंट है कि इंश्योरेंस में एक बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर कोई जोन 5 की बिल्डिंग है तो प्रीमियम शुड बी लेसर देन प्रीमियम बीइंग चार्ज्ड ऑन अ जोन 4 बिल्डिंग। उससे जाके ये अवेयरनेस बिल्ड होगी और कस्टमर इसकी वैल्यू रियलाइज करेंगे। अदरवाइज इट जस्ट बिकम्स कि ठीक है जोन 5 है, देयर विल बी अ कॉम्पिटिटर रूल से, सो व्हाट, जोन 5 की जरूरत क्या है आपको, जोन 4 भी ठीक है। तो कहीं पे कुछ एक, मतलब दो तरीके होते हैं, आप एनफोर्स कर सकते हो, दूसरा ये कि आप कुछ बेनिफिट दोगे तो पीपल बाय डिफॉल्ट विल लाइक टू फॉलो दैट। जी बिल्कुल। तो जरूरत सिर्फ बिल्डर्स के ही
काम को अपने सही तरीके से करने की नहीं है और इन नॉर्म्स को लागू करने की नहीं है, बल्कि जरूरत एक खरीदार के भी अवेयर होने की है। यानी कि आपको भी खरीदते वक्त ये सोचना है कि क्या ये बिल्डिंग जिसमें मैं पैसे लगा रहा हूं और अपना फ्लैट खरीद रहा हूं, क्या वो मेरे लिए सुरक्षित है या नहीं, क्या ये इस भूकंप के जो झटके अगर आ गए उन्हें सह पाएगी या नहीं। तो आप दोनों स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझने हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब।